नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि एचडी में मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यदि आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि एचडी आईएएस पर जो है मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट को, यदि हम आईएएस के लिहाज से लें तो चारों जीएस पेपर के सभी सब्जेक्ट, यदि आप किसी पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी पीसेस का मतलब किसी भी स्टेट पीसेस की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आंसर राइटिंग करनी होती है, तो ये क्लासेज आप लोगों के लिए है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आप आईएएस की बात कर रहे हैं। देखिए आईएएस में हिस्ट्री है, मान लीजिए जीएस वन की बात ही करूं मैं, उसके अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जिस तरह के सब्जेक्ट हैं। जीएस टू में आप पॉलिटी ले लेंगे, थ्री में आप इकोनॉमिक्स ले लेंगे, साइंस टेक ले लेंगे, इन्वायरमेंट ले लेंगे, तो सभी सब्जेक्ट यदि आप कवर कर लेंगे तो आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट आते हैं उनको आप कवर कर लेंगे, उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक टॉपिक का आपका कवर हो जाएगा। यदि आप प्रत्येक टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर कर लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस किस तरह का होगा और आपको कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। किसी क्वेश्चन की शुरुआत करना, कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको प्रस्तुत करना है, उसमें प्रवाह कैसे लेके आना है, बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। देखिए आंसर राइटिंग करना एक कला है, यदि आप कलाकार बनना है, आंसर राइटिंग पे अच्छी पकड़ बनानी है, तो इस मेंस प्रोग्राम के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्टों को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर कराएंगे। और सब्जेक्ट का मतलब उसके जितने भी टॉपिक है, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस क्रिएट करके वो पूरा टॉपिक कवर हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन किसी तरीके से भी वहां से क्रिएट हो, वहां से कैसे भी क्वेश्चन को उठाया जाए, आपके पास उससे संबंधित पॉइंट्स होंगे, आप उसका आंसर लिख पाएंगे। आपको मेंस लिखते हुए ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि क्या लिखूं, कैसे शुरुआत करूं, इसके कौन कौन से पॉइंट हम दे सकते हैं, कैसे देने चाहिए, डिस्कर्स कैसे लिखना चाहिए, मैं आंसर तो लिख रहा हूं मगर प्रस्तुत कैसे करूं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। देखिए आपके पास नॉलेज हो सकती है मगर प्रस्तुतिकरण, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो जो है आकर्षित करता है किसको, आपकी कॉपी रखी हुई है, आपने कितना भी अच्छा लिखा हुआ है। देखिए ये भी एक पॉइंट है, आपने कितना भी अच्छा लिखा हुआ है मगर एक चीज होती है, आपके सामने कॉपी आई और आपने ऐसे लिखा हुआ है कि इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सोचिएगा, थिंक करिएगा, आपके सामने ही 300-400 कॉपियां रखी हुई है, आपको चेक करना है, ठीक है। अब जिसकी कॉपी आपको, मान लीजिए आपके सामने उसकी फाइल है, उसकी कॉपी है, जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिसको देख रहे हैं कि इसने आंसर कैसा लिखा हुआ है, अब उस आपकी प्रेजेंटेशन, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, इस आधार में पहले आपका शुरुआत में क्या होगा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई सूरत से ज्यादा सीरत अच्छी होती है, मगर सीरत तो तब पता चलेगी जब सूरत, पहले तो सूरत ही आएगी, यानी कि पहले तो इंसान दिखेगा कि वो एक्चुअल में कैसा है, देखने में कैसा है पहले तो दिखेगा, जब आप उसके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, कोई टाइम स्पेंड करेंगे, तब पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है, अंदर से कैसा है, कैसे सोच रखता है, तब पता चलता है। पहले तो वो इंसान दिखेगा, आप उसके साथ बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं पहले तो ये डिसाइड होगा। भाई जो प्रैक्टिकल चीज है वो सही है, जो देखिए वो सभी इंसान है, जैसे आप इंसान है ऐसे ही जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो भी एक इंसान ही है। तो पहले तो ये चीज उठती है कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, अंदर क्या लिखा हुआ है, ये तो बाद की चीज है ना, वो तो बाद की चीज होगी भाई लिखा क्या गया है। पहले तो ऐसा हो कि उसका पढ़ने का मन करे, अच्छे से पढ़ने का मन करे, वो ऐसे ना पढ़े कि भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा यार, मजबूरी हो गई, या फिर यार इसको पढ़ के देखता हूं अच्छा दिख रहा है। पहले तो ये कि भाई अच्छा दिख रहा है, लिखा कैसा है, यानी कि उसमें इंटरेस्ट तो जागा, यानी कि देखिए इंटरेस्ट जागना और ना जागने में कुछ जो माइनर पॉइंट है, व्यवहारिक चीजें आप समझेंगे ना, साइकोलॉजी समझेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जब वो इंसान इंटरेस्टिंग लेके, इंटरेस्ट होके कि भाई ये कॉपी मेरे को पढ़नी चाहिए, अच्छा दिख रही है, तो पॉजिटिव तरीके से आता है, और पॉजिटिव तरीके से जब आता है उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है आपके लिए, आपकी कॉपी के लिए, क्योंकि आप ही तो हो जो आपकी कॉपी सामने है, फिर उसको पढ़ता है ना तो ऐसा महसूस होता है कि चलो इसके अंदर छोटी सी, इसने क्या क्या अच्छी लिखा हुआ है, क्योंकि इसने अच्छा लिखा हुआ है, तो देखते हैं कैसा चीजें लिखी हुई है, कैसे पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो पहले से ही प्रभावित होता है, कुछ माइनर पॉइंट्स है वो पहले ही प्रभावित होता है, तो आपकी पॉजिटिव चीजें उसके सामने आती चली जाती हैं, और आपने अच्छा लिखा है तो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। और आप सोच के देखिएगा कि वो उसके दिमाग पहले ही खराब हो चुका है कॉपी को देखते हुए कि भैया कैसे लिखा है, चलो पढ़ना तो पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, वो चीज हो गई। अब वो आपकी कॉपी चेक करने के लिए गया तो उसके दिमाग में पहले ही वो चीज है कि यार कैसे लिखा हुआ है, अब वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, तो आपकी माइनर देखिए इतनी बड़ी गलती नहीं थी। आप दोनों चीज लेके चलिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, एक इंसान की कॉपी है ठीक है, और ये दूसरे इंसान की कॉपी है, दो उम्मीदवार है, थिंकिंग करके चलेगा,
और उसने प्रस्तुत किया, यानी कि अपना आंसर जो है वो प्रस्तुत किया। फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर ये। फर्स्ट वाले बंदे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यार इसकी कॉपी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे उन्हें प्रस्तुत किया हुआ चीजें कि इधर उधर बिखरी हुई है, पता नहीं कैसे लिखा हुआ, प्रेजेंटेशन ही बहुत खराब है, ठीक है, पढ़ना थोड़ा सा या फिर मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा ना अच्छा नहीं लग रहा। एक होता है कि बेकार है, एक नॉर्मल, नॉर्मल तक भी कि भाई नॉर्मल ही है, चलो पढ़ लेता हूं, वो चीज हो गई, और एक खराब है। तो जब पढ़ेगा तो उसके दिमाग में हल्की सी बहुत ही माइनर चीजें पहली रहेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा, वो करेगा, तो आपकी आपकी और इस बंदे की मिस्टेक सेम है। जिस बंदे का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी मान लीजिए तीन गलतियां उसने की हुई है, तीन ही गलती इस बंदे ने की हुई है। सोच के देखिएगा, देखिए इस चीज से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। तीन गलती इस बंदे ने की हुई है, तीन गलती इससे हुई हुई है, चीजों को लिखने में माइनर मिस्टेक्स हुई हुई है, किस तरीके से भी हो जाती है, ठीक है, वो हुई हुई है। तो इस बंदे ने इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, ये वो पॉजिटिव तरीके से नहीं आया है कॉपी चेक करने के लिए, इसको नहीं पढ़ रहा है से, तो उसकी तीन माइनर गलतियां उसको बहुत भारी लगेंगी। यार देखिए, एक तो अच्छे से प्रस्तुत नहीं करता, ऊपर से गलतियां करता है, इस बंदे का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, वो उसको यार थोड़ी सी गलतियां कर दी, अच्छा हो सकता, वो फिर भी ना उतना निगेटिव सिस्टम में नहीं जाएगा। देखिए वही सेम चीज इसने लिखा, वही सेम चीज इसने लिखा, तीन गलतियां इससे भी, तीन गलतियां इससे भी, तो प्रेजेंटेशन कितने मायने रखता है। मान लीजिए इसके नंबर आए चार, उसी चीज पे इसके नंबर पांच साढ़े पांच आ जाएंगे। मैं लैंग्वेज या फिर आपके लिखने के तरीके की बात नहीं कर, मतलब उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपने कितना अच्छे आपकी जो है राइटिंग है, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, वो तो मायने रखती है, मगर वो आप लिखते प्रस्तुत कैसे करते हैं, तो हर चीज यहां पर बताया जाए कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रवाह कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत मायने होता है। आपने लिखा हुआ है, प्रवाह है आंसर में, पढ़ने का मन करता है कॉपी देख के, और बह जाते हैं पढ़ते हुए, ऐसा लगता है कि भाई आंसर पूरा हो गया, वो तीन गलतियां दिखी भी नहीं, वो पूरा हो गया। रात को सोते हुए इसको नजर आया कि यार उसकी कॉपी में चेक कर रहा था, शायद तीन मिस्टेक उसने की हुई थी, मगर अब तो नंबर दे दिए, क्या कर सकते हैं। तो चीजों को ऐसे करना है, हमें अपनी आंसर इतने अच्छा लिखना है, प्रवाह अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छी, पॉइंट अच्छे तरीके से देना, बहुत ही आसान कर देना अपनी कॉपी पढ़ने को, तो सब कुछ यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट कवर होंगे। तो आइए देखते हैं आज हमने किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लिए हैं। मैं आपको बता दूं, सोशल जस्टिस के क्वेश्चन हमने दो लिए हैं जीएस टू का, ठीक है, जीएस टू के अंदर ये सब्जेक्ट आता है, वहां से हमने दो ये क्वेश्चन ले लिए हैं। तो आइए आज हम कैसे लिख सकते हैं, इनमें कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होगा वो देखेंगे, कैसे प्रवाह लेके आ सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट दे सकते हैं, उन सब पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमसे यही पूछ लिया गया है। देखिए क्वेश्चन को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि एग्जैक्ट आप क्वेश्चन को समझोगे तो वही आंसर लिखोगे जो एग्जैक्टली पूछा गया है। अच्छे से नहीं समझ पाओगे, कुछ अधूरा कुछ छूट गया है, तो फिर वो अधूरा ही आंसर आएगा, तो अधूरे नंबर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, यानी कि पहले तो हमें यह बताना है उसका जो है वो शुरुआत करते हुए पृष्ठभूमि देखने के बाद जो है हमें यह बताना कि कौन कौन इसके हकदार होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निःशुल्क कानूनी सहायता के जो है प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, की भूमिका का हमें आकलन करना है, ठीक है, इसकी भूमिका क्या है, समझ रहे हो, इसकी भूमिका और कार्य के बारे में बात करते हैं, फिर इसके महत्व पर हम बात करेंगे। तो हमें अच्छे से क्वेश्चन को देखना, उसको समझ लेना और फिर उसी तरीके से इसको लिख देना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गर्भधारण पूर्व एम जो है प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 से संबंधित मुद्दे क्या है। तो वो इसके पृष्ठभूमि लिखने के बाद हम किस पे बात करेंगे, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, और फिर मुद्दों को बताते हुए उनके समाधान हेतु उपाय सुझाइए, फिर जो मुद्दे हैं उनका सलूशन क्या हो सकता है उन पे बात करेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, आइए अब वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैं फिर से आपको बता दूं कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन कौन है, यानी कि फर्स्ट चीज तो हमसे ये पूछ ली गई है। सेकेंड चीज क्या है कि निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है इसकी भूमिका का हमें आकलन करना है, ठीक है, आकलन यानी कि हम इसके कार्य और भूमिका क्या है और फिर इसके महत्व पर भी बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर आकलन करेंगे इस चीज का, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए निःशुल्क कानूनी सहायता का अर्थ है समाज के कमजोर वर्गों को बिना किसी शुल्क या
मामूली लागत पर जो है कानूनी सेवाएं प्रदान करना। मैं आपको बार बार बताता हूं, जिस चीज के बारे में समझाने किसी की कोई डेफिनेशन है उसके बारे में बताया जा सकता है तो उस चीज के बारे में बताते हुए ही अपनी शुरुआत कीजिए। कोई योजना है, कोई स्त्री का मुद्दा है, कोई स्त्री के जो है परिषद है, उसके बारे में बताते हुए शुरुआत कीजिए। वो पॉलिटी से है तो भाई किसी कहां पर आर्टिकल से संबंधित है, कुछ भी है तो उसका जिक्र कीजिए, ठीक है। कहां पर ये चीज रिलेट खाती है उसका जिक्र करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप जो है प्रमाण देते चले, अच्छा हो आपकी पृष्ठभूमि भी, आपका मुख्य भाग भी। क्योंकि आंसर आप तीन ही चीजों में लिखते हैं मोस्टली। फर्स्ट क्या कि भाई उसकी पृष्ठभूमि लिखेंगे, ठीक है। सेकंड जो मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग में जो है जो भी पूछा गया है, जैसे कि क्या पूछा गया है कि कानूनी सहायता के प्रतिपादन में जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो क्या इसकी भूमिका का हमें आकलन करना है, तो इसकी भूमिका का आकलन जो है मुख्य भाग में होगा, फिर निष्कर्ष होगा। तो शुरुआत में मुख्य भाग में और निष्कर्ष जो है अच्छे से लिखना। निष्कर्ष जो है हमेशा जो है हमें पॉजिटिव लिखना है। मैं आपको ये सारी चीजें बताता चल रहा हूं ताकि आप चीजें जो है आपके पास चली जाए, क्योंकि मिस्टेक्स होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज अभी तक चीजें वो प्रभाव नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कोई चीज कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो यहीं पर ही होंगी, क्लास देते हुए प्रैक्टिस करते हुए यहीं पर ही होनी चाहिए। जब मेंस लिखो वहां पर कोई मिस्टेक नहीं, वहां पर कुछ गलत नहीं करना है, वहां पर सिर्फ प्रॉपर अच्छा आंसर लिख के आना है। जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी मिस्टेक्स करनी है, जो भी पूछना है कमेंट करके पूछ लीजिए, जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेंस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो जो करना है अब प्रैक्टिस सारी यहीं पर ही कर लेनी है, सारी चीजें समझ लेनी है, भाई शुरुआत कैसे क्या करना होता है, अच्छा कैसे करें, प्रस्तुतिकरण अच्छा कैसा, पर वह सब कुछ यहीं पर बता दिया जाएगा। वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो। HSTDIAS का टारगेट यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं पृष्ठभूमि पे। अनुच्छेद 39A जो है, यानी कि 39A जो है, राज्य को सभी नागरिकों के लिए न्याय तक जो है पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है। तो कौन से आर्टिकल में ये चीजें लिखी गई है, ठीक है, कहां पर है, हमने प्रॉपर ये चीज बता दी, और है क्या ये भी बता दिया। हमारी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अब किस चीज पे आते हैं, आकलन। तो पहले तो आकलन के सिस्टम में हमें भूमिका की बात की गई है, तो भाई इसकी भूमिका क्या है, इसके एक्चुअल में करता क्या है, ठीक है, कार्य क्या है, वो चीज पे बात करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर है हकदार कौन है। पहले तो ये चीज होगी ना भाई कि हकदार कौन है, शुरुआत हो चुकी। अब हकदार मुख्य भाग में क्या चीज आ गया, भूमि आकलन की बात करते भाई, हकदार कौन हकदार है, तो वो कौन कौन हकदार है, फर्स्ट पॉइंट जो है हम ये बात करेंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये तो प्रस्तुतिकरण हो गया, नॉर्मल चीज है, देखते ही पता चलता है कि हाँ भाई ऐसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है। मैंने शुरुआत में ही आपको ये चीज बताई थी कि आपका प्रस्तुतिकरण जितना अच्छा होगा, देखिए पहले पर तो आपके पास चीजें सीखी, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई यार ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ऐसा कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बताई जाएगी, बार 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 चीजें रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी। अब नहीं आया है, 10 दिन बाद समझ में आएगा, 10 दिन नहीं तो 1 महीना बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा, कभी तो समझ में आएगा और चीजें प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये चीजें यहाँ पर छिप जाएंगी, उंगलियों पर आ जाएंगी। क्योंकि आप बार 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 नियमित रूप से मेहनत करोगे, ठीक है, तो चीजें प्रस्तुतिकरण हो, परवाह लेके आना हो, नॉलेज हो कि कैसे चीजों को पॉइंटों को समझा जाता है, वो पॉइंट्स आपके पास हो, वो सब कुछ आता चला जाएगा और सब कुछ आपके पास होगा, क्योंकि HSTDIAS पे जो है सभी सब्जेक्ट कवर होंगे, तो आपके पास सब कुछ आओगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट देखें किसके बारे में क्या बात करने वाले हैं। देखिए जिन वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है वो कौन कौन है, वो पॉइंट टू पॉइंट समझा दीजिए, ऐसे समझा सकते हैं ये वो पॉइंट है। फर्स्ट चीज प्रस्तुतिकरण आ गया आपके पास कि भाई ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, फर्स्ट भूमि तो आपने लिख दी, दूसरी बात आप प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं वो आपको पता चल गया, एक ऐसे और अन्य तरीके से कैसे कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस भाई 100, 200, 500, 1000, 2000 क्वेश्चन लिखवाएंगे तो प्रस्तुतिकरण अलग 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 तरीके से होगा, रिपीट भी होंगी चीजें, तो सब यहाँ पर आ जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी। मेन चीज क्या है कि पॉइंट भी सीख लो, कौन से पॉइंट देने होते हैं, क्या पर चीजें वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, सबसे ज्यादा तो वही है कि आपके पास चीजें जाएंगे, होगी तो लिख पाओगे, प्रस्तुत भी तभी कर पाओगे जब होंगी। तो आइए प्रस्तुत करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिनको ये अधिकार प्राप्त होंगे, जो इसके हकदार हैं, ठीक है, जिनको ये सेवाएं मिल सकती हैं, ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट हम लिख रहे हैं।
संविधान के अनुच्छेद 23 में जो है उल्लेखित मानव तस्करी या फिर बेगार, देखिए कोई वर्ड आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जो इंसान मेरी कॉपी चेक करे उसको वो वर्ड समझ में ना आए, 1% ना आए, तो उसके पुस्तक में इंग्लिश में या फिर उसके बारे में हल्का सा लिख दीजिए, ठीक है, बेगार बलात्कार का जो है शिकार हो वो इंसान, ठीक है, वे इंसान, ठीक है, समझ में आ गया। एक महिला या फिर एक बच्चा, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार अथवा विकलांग व्यक्ति, कितने आसानी से हम अपनी बातें रख रहे हैं, कितना आसान है चीजों को रख देना, बस आपके पास चीजें होंगी तो बहुत आसानी चीजें आप जो है वो रख देंगे। किसी भी सामाजिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा का जो है शिकार व्यक्ति, ये सब कौन है, ये अधिकार है किसके लिए, जिन वर्गों को ये अधिकार जो है मिल सकते हैं, निःशुल्क विधिक सेवा जिनको प्राप्त हो सकती है वो किस किस को हो सकती है ये हम बता रहे हैं, ठीक है। और आपको प्रस्तुतिकरण कैसा मिल रहा है कि भाई हम चीजें कितनी आसानी से हमें देखने को भी अच्छा लग रहा है, पढ़ भी ले सकते हैं, 1 सेकंड में जो है कुछ ही सेकंड में आपकी सारी चीजें चेक हो जाएंगी, तो जितना आसान चीजें होंगी किसके लिए, जो आपकी कॉपी चेक करेगा उतना ही आसानी से वो नंबर दे देगा, यार बहुत आसान है इसकी कॉपी को समझना, अच्छा प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है, तो बस ऐसे ही करते चलना है। एक औद्योगिक कामगार की है, एक निश्चित राशि से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति जो है निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके मामले की सुनवाई किस प्रकार की अदालत में हो रही है, देखिए कोई भी कोर्ट लेना है उसको अच्छे से बताना है कि ये है तो किसके लिए भी है, ये भी चीज प्रॉपर अच्छे से अपने पॉइंट रखने हैं और जैसे रखने हैं वो आपको बता भी रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर मेंस देते हुए आंसर लिखते हुए थोड़ा सा प्रेशर रहता है, और जब टेस्ट देते हैं तो बहुत अधिक प्रेशर रहता है टाइम का, अन्य चीजों का, तो ये प्रेजेंटेशन इस तरह की चीजें कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो कितनी नॉर्मल प्रेजेंटेशन कि भाई हम आसानी से ये चीज कर सकते हैं, दूसरी बात होती है प्रैक्टिस की, जितनी आप मेहनत करेंगे अपने साथ चीजों को अपनी उंगलियों पे अपनी यहाँ पर उतार लेंगे, चीजों को हमें लिखना ही ऐसे है, प्रस्तुति ऐसे करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ सकते हैं किए जा सकते हैं वो हम जो है फ्लो चार्ट के अंदर लेके आएंगे, जिससे हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा, हम चीजों को बहुत बेहतरीन बनाना, अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाना, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे आराम आराम से आराम चीजें आ जाएंगी। एक क्वेश्चन लिखना सीखिए, दो क्वेश्चन लिखना सीखिए, शुरुआत एक क्वेश्चन से भी नहीं कर पा रहे हैं तो मान लीजिए अधिकार की बात ही है कि भाई जिन वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार वो किन किन के पास है, बस आप यही लिख के देख लीजिए, पॉइंट आपको मिल गए ना, तो बस यही लिख के देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आ रही है। रही बात पीडीएफ की कि भाई बार बार कमेंट आता है कि सर ये पीडीएफ भी उपलब्ध करा दीजिए, देखिए अब आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होंगी और वो होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, उसमें जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको लगातार जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले पॉइंट देखते हैं, अब हम बात करेंगे नालसा की कुछ भूमिकाएं और कार्य के बारे में, देखिए हम सीधे बात कर सकते हैं मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई चीजों के अंदर आपके आंसर के अंदर एक परवाह होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मायने रखता है, जितनी आपकी प्रेजेंटेशन मायने रखती है, कैसे आपने आंसर को प्रस्तुत किया है वो मायने रखता है, उतना ही मायने ये भी रखता है कि आपके आंसर के अंदर प्रवाह है, चीजें कनेक्ट हो रही हैं, चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है कि चीजें जुड़ती जा रही हैं, कि ऐसा कुछ है कि जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में दिखाई दे रहा है कि भाई ये चीज है तो कब कैसे वो चीज हुई है, सीधा सीधा भी नहीं है, थोड़ा सा सही तरीके से चीजें हैं तो आंसर और एक्स्ट्रा अच्छा हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज हल्का हल्का प्रत्येक पॉइंट मिलके ही आपके आंसर को अच्छा बनाएगा, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, प्रवाह हो, बहुत सारी चीजें मिलके जो है क्या बनाती है आपके रखने का तरीका, हर चीज जो है आपके आंसर को अच्छा बनाएगी, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वो हम दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, देखिए पात्र व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के जो है सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का जो है आयोजन करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसकी जिसकी हम बात करेंगे, जिसकी भूमिका की बात करेंगे, जिसके कार्य की बात करेंगे, उसके बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप वही नहीं बता रहे हो, सोच के देखना कि हमने बात करी कि उसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे, हम लालसा की भूमिका के बारे में बात करेंगे, उसके कार्य के बारे में बात करेंगे और हम उसी चीज के बारे में ना लिखें तो वो अजीब लगेगा, तो वो लिखना इंपॉर्टेंट है कि भैया हम उस चीज के बारे में बताएं, संगठन किस अधिनियम के तहत जो है और उसका कार्य क्या है।
अब आप इसकी भूमिका और कार्य के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इसके कार्य क्या है, भूमिका क्या है, तभी तो इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में पता ही नहीं है तो क्या महत्व बता देंगे, समझ रहे हैं ना। तो आइए ऐसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, वो तो आप देखते ही समझ गए होंगे। तो आइए बात करते हैं उसके भूमिका और उसके कार्य के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट, वो ही आसानी से, ताकि एग्जाम आप सोच के देखिएगा ये चीज एग्जामिनर के सामने जाए जो अभी कॉपी चेक कर रहा है, तो उसको देखना आसान है, उसको समझना आसान है कि भाई अच्छा अच्छा ये पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर की हुई ये चीजें, ये कार्य है, ये आपका जो है वो चीज है, ये चीज है, कितना आसान हो जाएंगी चीजें, बस ऐसे ही आसान करते चलना है। आइए पॉइंट देखते हैं। अधिनियम के तहत जो है कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांत निर्धारित करना है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अधिनियम के तहत जो है कानूनी सेवाओं के जो है कार्यान्वयन की निगरानी और जो है मूल्यांकन करना है, ठीक है, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम जो है संचालित करना है और लोगों के लिए जो है बीच में कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना है, यानी जागरूकता, उसके बारे में जानकारी देना कि हम इस चीज के बारे में सीखें, वो आपके पास उस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, इससे संबंधित जो है आपके पास नॉलेज हो, ठीक है। बातचीत व मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से जो है विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह के मामले हैं जो बातचीत से जो है मध्यस्थ से सुलझाए जा सकते हैं, तो उन पे बात करना उस तरह के कार्य के अंदर, भाई नॉर्मली मुद्दा जो है वो समझ सकता है, वो खत्म हो सकता है, तो बातचीत से, ठीक है, सुलह करा के वो ये कार्य कराते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो कानूनी सेवाओं के जो है लिए प्रभावी और कम खर्च वाली योजनाएं तैयार करना, उस तरह की योजनाएं जो है वो तैयार करते हैं, ये भी पॉइंट हो गया। कानूनी सेवाएं प्रदान करने में जो है लगी अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वय तथा सहयोग प्रदान करना, पॉइंट हो गया। देखिए आपने अपने पॉइंट को कितने आसान तरीके से बता दिया कि भाई ये है उसकी भूमिका, ये इसके कार्य हैं, ऐसे वो कार्य करता है, कार्य बताने के तरीके हैं, अन्य भी हो सकते हैं, वो सभी हम आपको बताएंगे कि ऐसे भी प्रस्तुत की जा सकती हैं, चीजें ऐसे प्रस्तुत की जा सकती हैं, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ पता हो, प्रैक्टिस करोगे चीजें आपके पास पहुंच जाएंगी, नॉलेज जा रही है, पॉइंट जा रहे हैं, प्रवाह जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही प्रस्तुतिकरण भी चला जाएगा, बस लगे रहना है। वीडियो को बार 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 देखिए और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक चीजें जा पाए। हर इंसान जो है कुछ घर बैठ के तैयारी करते हैं, हर इंसान दिल्ली मुखर्जी नगर में या फिर इलाहाबाद के अंदर जहां पर जो है बड़ी सिटी के अंदर जो है कुछ सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, वहां पर नहीं जा सकते हैं। हर इंसान के पास पैसा उस तरह की सुविधाएं नहीं होती है, अलाउ नहीं करती है फैमिली, वो घर बैठ के कुछ बड़े सपने देखते हैं कि भाई हाँ ये मेरी ड्रीम है, ये मेरे एम है, ये मेरा टारगेट है, उसको अचीव कराने के लिए आपको उनकी हेल्प करने की जरूरत है। करना क्या है, बस आपको ये वीडियो शेयर कर देनी है ताकि ये उनके पास चली जाए और वो चीजों को 4-5, 10,000, 25,000, 15,000 ना दे, उनके पास ये चीजें आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि कुछ इंसान उस तरह की हालात में होते हैं कि वो नहीं दे सकते हैं पैसा। आप बस 1% सोचने से पहले कि भाई आप जब खाना खाते हैं तो आप सोचिएगा कि कुछ लोगों के पास ये खाना नहीं है, वो सब्जी नहीं है जो आप खा रहे हो, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? तो प्लीज वीडियो को शेयर करोगे आप एक जितने भी ग्रुप में ऐड हो जहां पर जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अलग उम्मीदवार हैं या कोई उम्मीदवार अन्य जो आपसे कनेक्ट है उनके पास वीडियो शेयर करोगे तो चीजें चली जाएंगी, ऐसे ही वो किसी अन्य के पास शेयर करेंगे तो ऐसे ही चीजें फैल जाती हैं, आप फैलाओगे तो उनके पास चीजें चली जाएंगी ताकि उनकी हेल्प हो सकते, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली चीजें भी ऐसे भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। वो बात क्या थी, तीसरा पॉइंट जो नालसा है इसकी भूमिका, इसके महत्व के बारे में हम बात करेंगे, इसके महत्व के बारे में कि क्या क्या ये कार्य करता है, जो कार्य है उसके महत्व को आप बात करते हैं, कार्य के बारे में हमने बात कर ली, तो ऐसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण हुआ, नॉलेज क्या है, पॉइंट कौन कौन से, ऐसे पॉइंट हमने प्रस्तुत करते हुए लिख सकते हैं, प्रॉपर पॉइंट क्या है अब वो देखते हैं। देश भर में अपने जो है पैनल वकीलों, पैरालीगल स्वयं सेवकों के माध्यम से जो है लाखों लाभार्थियों को कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है, विभिन्न स्तर पर जो है हजारों लोग जो है अदालतों को आयोजन कर लाखों मामलों का जो है सहजपूर्ण निपटारा करना, वो उसके कार्य है और ये कार्य करता है, ठीक है। और इसमें आप जो है उन्होंने बोला कि भाई विभिन्न योजनाएं और पहल शुरू करना, कुछ चीजें काफी बार क्या होता है आपको लगने लगता है कि यार ये तो कार्य थे तो उसमें अंतर क्या है, महत्व के बारे में बात क्या होगी, लेकिन वहां पर हमने योजनाओं के बारे में बात की कि उस तरह की योजनाएं थी, यहाँ पर चीजें हल्की चेंज है कि वो लाखों लोगों को हेल्प पहुंचा रहा है, वो ऐसे चीजों में कर रहा है, वो पूरी डिटेल के तहत जो है महत्व किस तरह से चीजें जा रही हैं वो बता रहा है। हमने योजना का पॉइंट मान लिया था कि वो योजना इस तरह की बनाता है, हम अब प्रॉपर वो योजना बताएंगे। और देखिए लिखने का अपना तरीका क्या है,
विभिन्न योजनाएं और पहल शुरू करना। अब वो कौन कौन सी पहल है, इसमें आप जो है चार पांच पहल है, इसमें हमने चार ली है, ठीक है। नालसा जो है मुफ्त और जो है सक्षम कानूनी सेवाएं विनियम में 2010, आप सीधा लिख सकते थे क्या? आप सोच के देखिएगा, यहाँ पर जो है योजना का नाम लिख के प्रॉपर चीजें बारे में, इस चीज के बारे में लिख के और विनियम में 2010 लिख देते तो हमें क्या पता चलता, सीधा लिखते चले जाते कि भाई योजना 2015, 2010, 2011, ठीक है, 11 की भी एक योजना है, ठीक है। वर्डिंग की लिमिट रहनी होती है, तो वो चीज हमने आपको चार पॉइंट दे दिए, चार बहुत है, ठीक है। आपके पास चीजें आ गई, मगर आपको प्रॉपर बताना है कि कौन सी योजना किस ईयर में किसके लिए। आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन योजना जो 2015 में, ठीक है, और ये बच्चों और उनके जो है संरक्षण के लिए लाभ मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं, ये भी 2015 की है। तस्करी और वाणिज्य यौन शोषण के जो शिकार होते हैं उनके लिए, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग चीजें निकाली गई हैं। तो इन कुछ योजनाओं का आपने जिक्र कर दिया, उससे क्या पता चलता है, इसके महत्व के बारे में जिक्र करता है कि कैसे कार्य करता है, इसकी भूमिका क्या है और उसकी भूमिका किस तरह से जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे लाभ जो है हमें पहुंचता है, ठीक है, उन लोगों को कैसे लाभ जो है ये प्रोवाइड कराता है, कैसे उनको बेनिफिट है इस चीज से, कौन कौन सी योजना, वो चीज जिक्र आप कर रहे हो, ठीक है। सभी के लिए जो है न्याय तक पहुंच, समानता के साथ अपने राष्ट्र की सेवा से जुड़ना, जैसे कि विभिन्न विषयों पर जो है राष्ट्रव्यापी अभियान और कार्यक्रम आयोजित करना, ठीक है। कानूनी सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है विभिन्न हितधारकों जैसे कि न्यायपालिका, बार एसोसिएशन, लॉ स्कूल, नागरिक समाज संगठन और मीडिया आदि के साथ सहयोग करना, यानी कि सबको साथ में लेके चलता है, किसकी हेल्प कहां पर कैसे की जा सकती है उनके साथ जो है समन्वय बना के करते हैं। तो ये आपने क्या देखे, इसे भूमिका में तो हमने ये चीज देख ली। तो जो जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था उन सभी को हम फुलफिल करते चल रहे हैं। अभी हम किस और देख रहे हैं, मुख्य भाग में जो पूछा गया है वो ऐसे कैसे प्रस्तुत करना है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो सब हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो बात का पॉइंट है क्या, निष्कर्ष वो कैसे हो सकता है। हमेशा मैं बार बार आपको बताता हूं कि भाई पॉजिटिव लिखना है, हमेशा कभी भी निष्कर्ष को निगेटिव मत लिखना, ठीक है। आपको ऐसा नजर आना चाहिए कि इस तरह की चीजें हैं और ये कर लेना चाहिए, यानी कि आगे की राह से दिखाएं आप कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए, आप थोड़ा सा है मगर आप सुधार करने की आवश्यकता है, ये है ऐसा है, मतलब तो पॉजिटिव चीजें आगे की राह की तरह जो है कि भाई हाँ ऐसे किया जा सकता है, ऐसे आपको अपना निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। सभी नागरिकों और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो है न्याय और निष्पक्ष सुनवाई तक जो है समान पहुंच एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों का संवैधानिक अधिकार और राज्य की सामाजिक दायित्व, ठीक है। नालसा जो है भारत के निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, हालांकि ये जो है सामने कुछ चुनौतियां और सीमाएं भी हैं, यानी कि इसके सामने कुछ चुनौतियां और सीमाएं भी हैं जिन्हें जो है संबोधित एवं दूर करने की हमें आवश्यकता है। आगे की राह दी गई कि भाई ये वो एक कार्य कर रहा है मगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें दूर करने की आवश्यकता है, ठीक है। एक आगे की राह से एक पॉजिटिव किसी के बारे में बता दिया, वो क्या है, वो कैसे कर रहा है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन होना चाहिए, बस एक आगे की राह चीजें बता दी गई है, निष्कर्ष हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसकी प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डेली आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, डेली आपको सब्जेक्ट जो है वो कवर होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी जो है अधिनियम 1994 से संबंधित मुद्दे क्या है और इन मुद्दों को बताते हुए इनके समाधान हेतु उपाय सुझाइए। मुद्दे क्या है, देखिए प्रश्न पहले प्रश्न में लिखी जाएगी, नॉर्मल सी चीज है, शुरुआत हम करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे कि भाई ये क्या है, क्यों लाया गया है, ठीक है, शुरुआत होगी, इस चीज के बारे में बताते हुए शुरुआत होगी। फिर क्या पूछा गया कि भाई संबंधित कुछ मुद्दे हैं तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे, कैसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताएंगे, उनके समाधान बताएंगे, भाई जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि जो मुद्दे हैं उनके समाधान क्या क्या है, तो उपाय पूछे गए हैं तो फिर उपाय बताएंगे। तो ऐसे अपना आंसर फिनिश कर, चीजें खत्म, कितना आसान है। अब आपके लिए वो नॉलेज है कैसे प्रस्तुत करना है, आइए अब वो देखते हैं क्योंकि वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को हमने समझ लिया क्या लिखना है, काफी बार देखिए गर्भधारण से संबंधित बहुत सारी जो है सामाजिक कुरीतियां रही हैं, उनसे संबंधित अधिनियम भी हैं, किसी पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चन आता है उसमें क्या पूछा जाता है, कौन कौन से पॉइंट हमें यूज करने होते हैं, तो उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे कुछ भी पूछा जाए बस उसके पॉइंट आपके पास हो, आंसर कैसे प्रस्तुत करना इसकी प्रैक्टिस हो आपको, तो आप जो है मेंस क्रैक कर सकते हैं,
ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस, उसके बारे में बताना, उस सारे पॉइंट आपको देना, सारे चैप्टर, सारे जो है टॉपिक, आपको सभी सब्जेक्ट कवर हम करा रहे हैं। तो प्लीज बस वीडियो को आपको शेयर कर देना है, हमको बार बार आपको चीजें बोलते हैं ताकि उन लोगों तक चीजें पहुंच जाए। क्योंकि कुछ इंसान परेशान होते हैं कि भाई शायद हम भी उस तरह की परिस्थितियों में होते हैं कि वो चीज हमारे पास होती जो आपके पास आ रही है, या फिर कुछ जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, इलाहाबाद जा सकते हैं, जहां पर तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है इंस्टीट्यूट से खरीद सकते हैं, और वहां पर वो चीजें मिलती भी नहीं है, नहीं मिल पा रही है वो चीजें, बस सब्जेक्ट, और वो भी कहानी के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, आइए अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, कैसे करनी है, बस हमको नॉर्मल बता देंगे, हाँ भाई यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, यहाँ पर सुधारे कैसे, बस कुछ नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कमेंट तो करिए, हम आपको बताएंगे, जैसे ही आप कमेंट करेंगे क्या आपको चाहिए या फिर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस के अंदर उसका आपको सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है, ये भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व। दूसरी चीज क्या है कि भाई आप वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अन्य चीजें पहुंच जाए और उनका भी जो है प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो सके। तो पुण्य कमा लो यार, कुछ छोटा सा पुण्य भी कमा लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि। देखिए, गर्भधारण पूर्व जो है एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 को देश में कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे का समाधान करने तथा गिरते जो है लिंग अनुपात में सुधार के लिए लाया गया था। ठीक है, यानी कि प्रॉपर कोई अधिनियम है जिससे संबंधित क्वेश्चन आया है, पहले हमने उसके बारे में बता दिया कि भाई ये क्या है और क्यों लाया गया था, यानी इसका उद्देश्य क्या था, उसी के बारे में हमने बात कर ली। हालांकि पिछले वर्षों से जो है इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ मुद्दों की पहचान की गई है। अब ये क्या है पृष्ठभूमि में, ये चीज क्यों आई, क्योंकि पृष्ठभूमि जो है और निष्कर्ष जो है वैसा ही होता है जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पे डिपेंड होंगी वे चीजें, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि मुद्दे क्या क्या है, उससे संबंधित मुद्दे हैं, तो वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि की भाई मुद्दों की पहचान की गई है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स की पहचान की गई है उसी से संबंधित, जिससे संबंधित ये अधिनियम है। आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, जिन्हें इसके प्रभावी कार्य संचालन हेतु हल करने की आवश्यकता है, यानी कि हमसे क्या पूछा गया भाई, इसके समाधान कीजिए, हमें इसके समाधान बताइए, हमें इसके उपाय बताइए। तो भाई हमने क्या किया, पृष्ठभूमि में ही चीजें, इसके प्रभावी कार्य को संचालन हेतु हल करने की हमें आवश्यकता है, यानी कि आपका इशारा किस ओर है, आपका इशारा उपाय की ओर है, भाई हमें समाधान करने की आवश्यकता है, इसके उपाय देने की आवश्यकता है, ये उपाय करने की आवश्यकता है। चीजें समझ में आ गई, पृष्ठभूमि निष्कर्ष वही होगा वैसा ही लिखा जाता है जैसा क्वेश्चन होता है। अब आते हैं मुख्य भाग पर, जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है मुद्दे। देखिए, क्वेश्चंस डिवाइड करना, यहीं पर आपको चीजें आ जाएंगी, ठीक है, पृष्ठभूमि आ गई, यानी कि जो पूछा गया है क्वेश्चन में आपने वो लिख लिया। अब बात आती है मुख्य भाग पर, मुख्य भाग में क्या है भाई, उसने पूछा, एक अधिनियम दिया गया है उससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, यानी कि वो मुद्दे क्या है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और फिर हमसे उपाय पूछे, यानी कि उन मुद्दों के समाधान हेतु कुछ उपाय सुझा दीजिए, ये दूसरा पॉइंट, यानी कि मुद्दे क्या है और उपाय, ये इसके मुख्य भाग में लिखे जाएंगे। तीसरा क्या, ये निष्कर्ष, क्वेश्चन खत्म। अब उसके अंदर लिखना क्या है, प्रस्तुत कैसे करना है, ये चीज तो आपको बहुत सारे टीचर बताते होंगे, भाई ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, और आप ये भी ऐड करें, अपने आंसर के अंदर ये भी चीज ऐड करें, कैसे करें, कैसे करें, शुरुआत करनी है ऐसी अच्छी शुरुआत करें, कैसे प्रस्तुत अच्छा करें, कैसे प्रस्तुत होता है, एक दो आंसर बताएंगे, कोई चीज क्लियर नहीं होगी। यहां पर हो रही है तो बस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अन्य की भी हो जाएगी, प्लीज शेयर कर दीजिए। तो आइए, पृष्ठभूमि हो चुकी है, अब बात फर्स्ट पॉइंट पे करते हैं, मुख्य भाग की, वो क्या था, मुद्दे क्या है। तो आइए मुद्दों बात करते हैं, उसको हम ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, आसान समझ में आ जाएगा, अन्य तरीके भी हैं। वो देखिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि भाई हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे तो सारे तरीके कवर हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि पुलिस की जो है संलिप्तता, क्या इस अधिनियम में जो है जहां तक संभव हो छापेमारी और जब्ती के जो है पुलिस की भागीदारी को सीमित किया गया है, लेकिन यह इसकी व्यवहारिक सीमाएं हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये मुद्दा है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इस चीज को सीमित किया गया है, क्या है, परेशानी है। दूसरा क्या है, जांच और गिरफ्तारी की शक्तियां, ये प्रॉब्लम्स है, यानी कि वो जांच तो कर सकता है, गिरफ्तारी नहीं कर सकता, अब उसको प्रस्तुत कैसे करें, ठीक है, कैसे करेंगे भाई। इस अधिनियम में जो है उपयुक्त प्राधिकरण की जो है, उपयुक्त प्राधिकरण को जो है जांच करने और जो है छापा मारने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन इन्हें गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इससे
इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौती आती है। क्या है प्रॉब्लम है, क्या है एक मुद्दा है, किससे संबंधित, जो प्रॉब्लम से संबंधित अधिनियम है उससे संबंधित उसको लागू करना, जब वो होता है तो अधूरेपन से उस तरीके से कार्य नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी ये प्रॉब्लम है। क्या है कि वो जांच तो कर लेता है मगर गिरफ्तारी नहीं कर सकता, उससे क्या होता है कि इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की उसमें चुनौती आती है। तो आप क्या गिना रहे हैं, मुद्दे प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप कि सजा की निम्न दर। देखिए BCPNDT यानी कि ये जो अधिनियम है, अधिनियम के तहत जो है सजा की कम दर होना इसकी प्रमुख जो है चिंताओं में से एक है। यह जो है अपराधियों को प्रति मुकदमा चलाने और लिंग चैन संबंधी गर्भपात को रोकने के क्रम में जो है न्याय प्रणाली की विफलता को इंगित करता है, यानी कि आपको डर ही नहीं रहेगा इस अधिनियम से जो है, यदि आपको सजा मिलेगी तो वो बहुत कम होती है, तो क्या होता है उस तरह का डर पैदा नहीं कर पाता है अधिनियम। तो ये क्या है इसकी, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो आपने उसके मुद्दों के बारे में गिना दिया कि भाई ये ऐसे ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे से प्रस्तुत की, अच्छे से बताया, आसानी से उसको समझ में आ जाएगा, आपको भी देखते ही समझ में आ रहा है ना कि भाई ठीक है ये चीज मेरे पल्ले पड़ गई। ठीक है क्यों, क्योंकि वो आसानी से प्रस्तुत हुई हुई चीजें, अच्छे से प्रस्तुत हुई है भाई, संबंधित मुद्दे हैं ये चीजें, ऐसे आपने प्रस्तुत की भाई ये पुलिस से जो है संलिप्तता वाला मुद्दा है कि होता तो है मगर उसकी कुछ सीमाएं हैं, ये जांच कर लेता है, गिरफ्तारी नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम्स है तो उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है भाई, अच्छे से लागू ये नहीं हो पाता है, चीजें होती हैं तो इस आधार पर जो है उस तरह की जो है क्या मिलता है, दंड नहीं मिल पाता है, उस तरह की सजा उसको नहीं मिल पाती है, बहुत कम मिलती है, उससे वो चीजें नहीं हो पाती है, वो प्रभाव नहीं छोड़ पाता है अधिनियम जो उसको करना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि भाई ये मुद्दे हैं। आगे बढ़ते हैं, वो क्या है उपाय जो हमसे पूछे गए हैं कि भाई ठीक है ये प्रॉब्लम्स है आपने बता दिए तो कुछ उपाय तो बताओ, तो ये इसके उपाय है, आप उपाय बता दोगे वो भी बहुत आसानी से, डायरेक्टली दिखाई दे रही है कि भाई ऐसे आप प्रस्तुत कर सकते हो, अन्य तरीके भी हैं वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तो मुद्दों के समाधान हेतु उपाय की बात करते हैं, और उनको नहीं घबराना जो मेहनत करते हैं नियमित रूप से, ठीक है जो टेस्ट को भी ऐसे देते हैं कि चलो दे लेंगे, नहीं दे लेंगे तो नहीं देंगे, आज आधा घंटा दिया कल एक घंटा दिया, क्या ही हो रहा है, क्या मिलेगा चीजों से, तो वो घबराओ, और यदि आपको सिलेक्शन नहीं लेना है तो फिर आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज हम उपाय के बारे में बात करते हैं, पुलिस कर्मियों को जो है इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ इस संदर्भ में छापे मारने और कार्रवाई करने से संबंधित प्रक्रियाओं पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है, ठीक है। आपने फर्स्ट उपाय बता दिया, ऐसे ही बस उपाय पॉइंट टू पॉइंट देते चले जाना है कि भाई अपराधों के संज्ञा प्रकृति के अनुरूप इस अधिनियम के तहत जो है संबंधित प्राधिकारों को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करने से जो है अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता में वृद्धि होगी। सेकंड पॉइंट आपने बता दिया, तीसरा क्या है कि भाई इस अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जो है प्रशिक्षित जांचकर्ताओं, फोरेंसिक सुविधाओं और कानूनी सहायता सहित पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ठीक है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। आप क्या बताते जा रहे हैं, आप उपाय बताते जा रहे हैं और वो भी पॉइंट टू पॉइंट, भाई ये ऐसे ऐसे बस कि भाई फर्स्ट चीज ये हो गई, आप ये सही कर ले, आप ये सही कर ले, आप ये सही कर ले, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, आप यही तो उपाय होते हैं, बस ऐसे ही प्रस्तुत करते चलना है, ठीक है। और इस अधिनियम और इसके जो है प्रावधानों के बारे में आम लोग और स्वास्थ्य पेशेवरों और हितधारकों के बीच जो है जागरूकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ये भी एक उपाय है कि आपको पता चले उस चीज के बारे में, ठीक है। इस संदर्भ में समितिकरण जो है कार्यक्रम आयोजित करने में लैंगिक भेदभाव के प्रति जो है सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद मिल सकती है तथा लैंगिक समानता के महत्व पर प्रकाश डाला जा सकता है। तो ये क्या है उपाय, आपने चीजें बता दिया कि भाई ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है कि भाई ऐसे ऐसे कार्य कर लिए, ऐसे ऐसे कार्य कर लिए, और अन्य भी चीजें ऐड हो सकती है कि भाई आप क्या करें, जो गिरफ्तारी वाली प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन कर दें, गिरफ्तारी का जो है अधिकार दे दें वो उसके अंदर ऐड कर लें, जो भी प्रॉब्लम्स है। काफी बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है ना वहीं से जो मुद्दे हैं जो आपको दिख रही है, भाई आपको प्रॉब्लम्स पता है, काफी बार क्या होता है मुझे प्रॉब्लम्स तो पता है, यहाँ तक जो क्वेश्चन कुछ आया है उसके कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो मुझे पता है, उपाय नहीं पता, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं, तो भाई साहब उसी का सोल्यूशन होता है, भाई गिरफ्तारी का नहीं है तो गिरफ्तारी का दे दो यार, जागरूकता नहीं है, जागरूकता बढ़ाओ उस चीज के लिए, ठीक है। उससे संबंधित कौन कार्य करता है पुलिस, उसे क्या करो प्रशिक्षण करो उस तरीका जो वहां पर अच्छे से वो कार्य कर सके, सजा है तो सजा बढ़ाओ, ठीक है, ताकि
उसको वहां पर वो प्रभाव छोड़े उस तरीके का, भाई वही के वही जो है सोल्यूशन मिलते चले जाते हैं। ठीक है, चीजें इतनी भी वो नहीं है कि जितने आप प्रेशर ले जाते हो कि भाई हार्ट अटैक आने का आंसर राइटिंग, ऐसा नहीं है, चीजें बहुत आसान है और आसान आपको लग जाएंगी जब चीजें पूरी होंगी ना, तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा यार कितना आसान हो गई ये चीजें। अब पूरा सब्जेक्ट मेरा क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर है, एक एक टॉपिक मेरा उसके ऊपर सारे जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो मेरे पास है, उसके पॉइंट मेरे पास है, कैसे प्रस्तुत करना है सब मेरे पास है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं निष्कर्ष की। ठीक है, इस अधिनियम 1994 लिंग चयन संबंधी गर्भपात के मुद्दे को हल करने एवं लैंगिक समानता को जो है बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जो है इससे संबंधित मुद्दों के समाधान की आवश्यकता है। निष्कर्ष हो गया भाई पृष्ठभूमि, उसके मुख्य भाग और निष्कर्ष, सब चीज खत्म। ठीक है, तो बस हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है तो कमेंट करते रहिए, मेन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है प्लीज कमेंट करिए कि भाई ये चीज दिक्कत आ रही है, वो चीज दिक्कत आ रही है, आप बताएंगे कि ये सामने कामना करता हूँ, टेस्ट नहीं दे पाता हूँ, आंसर राइटिंग की जो भी चीजें आपके सामने आती है वो आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हम आपको कुछ अगले वीडियोस के अंदर उसका सोल्यूशन देंगे। तो प्लीज कमेंट कीजिए और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप कुछ भी हेल्प इससे मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज और शेयर कर दीजिए वीडियो को, आप पुण्य कमा लो इतना तो कर ही सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।